एवरीबॉडी, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो आया है जो कि मास्टर जी आज पैंट कटिंग सिखाएंगे। तो मास्टर जी से पूछते हैं कि मास्टर जी, आप कौन सा वाला पैंट आज काट रहे हो? पेंसिल पैंट। पेंसिल पैंट, तो मास्टर जी पेंसिल पैंट काट के दिखाएंगे। तो भाई, स्टार्ट कैसे करना है वो बताइए, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो लेंथ आता है। लेंथ आता है, ओके। तो अभी मास्टर जी नए से आपको मार्किंग करके बताएगा। तो ये पहले ऐसा कैसा लेना है, ये लाइन? ये स्ट्रेट। हाँ, स्ट्रेट लाइन लेने का है। उसके बाद में आधा इंच नीचे मार्किंग करना है। ओके, आप लोग ध्यान से देखते रहिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हमारा लेंथ हो गया। ये लेंथ हो गया, ये हमारा 38 लेंथ है। हाँ, पैंट का लेंथ क्लाइंट का 38 का। हाँ, ठीक है। हम उस पर 3 इंच का मार्जिन रखेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने के लिए, ठीक है। ये है 12 इंच का फॉर्म। 12 इंच का फॉर्म जो हमारा ये नी होता है। हाँ। नी 17 18 19 पे ऐसा रहेगा। ओके, ये हो गया। हाँ, बाकी ये साइड से हम ये मार्जिन लेंगे किनारे के साइड से, यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे इसको। 1 इंच छोड़ देना है। हाँ। ओके, तो कोई भी कपड़ा रहेगा वहाँ से 1 इंच छोड़ 1 इंच छूटेगा ये, ठीक है। उसके बाद में किनारी कट के निकल जाता है, आधा इंच का मार्जिन रहता है। फॉक से सीधा लाइन मारना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद में ये नी का हो गया, नी का लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये लेंथ का मार्किंग है। ये लेंथ का मार्किंग है, ये नीचे जो कटेगा उसका मार्किंग, मार्जिन का फोल्डिंग का, ठीक है, बढ़िया। यहाँ से इसको एक सीधा लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से आप भी सीधा लाइन मार लिया कीजिए। और उसके बाद और भी बता रहे हैं मास्टर। ये देखिए, हमारा थाई है 24। क्या चीज़ है? 24 थाई। थाई 24 है, ओके। ये देखें, 12 इंच रखे हैं। 12 इंच, ओके, ये हो गया, ठीक है। हमारा कमर है 34 इंच। 34, तो हाँ 34 इंच हो गया। 1 इंच इसमें से एक्स्ट्रा जाएगा, ये हो गया आगे डाट के लिए। आगे डाट के लिए, ओके। हाँ, फिर उसके बाद में जितना यहाँ ऊपर रखेंगे उससे 5 एक्स्ट्रा यहाँ रखेंगे, या उतने पे रख देंगे तो भी चलेगा। ये ठीक है, ये ऐसा करके आपको एक लाइन यहाँ खींचना है आपको। ये हो गया, ये फॉक कर ले। तो अभी सेंटर लाइन ये मारने के बाद, सेंटर लाइन मारने के बाद में ये हमारा बॉटम 16 इंच है। 16 इंच बॉटम है, बॉटम 16 इंच है। हम इसको 3.5 इंच पे सेंटर से लगाएंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा ये 14 इंच है। 14, ठीक है। 3.5, ये 7 इंच, 14 इंच, 14 इंच होगा। अभी ये बैक से जो आएगा वो बढ़ के होगी, फिर 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। अभी जिससे हम इसको साइड से थोड़ा इसको यहाँ टेपर देंगे, ये यहाँ पर होता है। ये देखिए, किसका ज्यादा रहता है किसका कम रहता है, कब जिनके मतलब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड। हाँ, उनका कितना हिप है वो हिसाब से वो निकलेगा। इसको हम सेप वाले पट्टी से इसको थोड़ा सेप ले लेंगे। ये देखिए, सही है। फिर उसके बाद में हम इसको डार्ट के लिए निशान लगा देंगे। बढ़िया। फिर उसके बाद में ये फ्रंट हमारा ये लो रहेगा, साइड से फ्रंट लो रहेगा। ओके, तो वो ये हाफ इंच हम यहाँ से ये निशान लगाए, हाफ इंच। ओके, बाकी फिर जैसे ये फ्रंट हो गया, फ्रंट हो गया, बराबर। यहीं से इसको बैक कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से फिर वो ये बैक ले लेंगे। जो फ्रंट है ये फ्रंट फिक्स कटेगा, फिक्स कटेगा, जितना बॉडी मेजरमेंट है उतना ही कटेगा ये फ्रंट, ठीक है। बाकी जो लूजिंग दिया जाएगा ये बैक से दिया जाएगा। तो यूजली कितना लूजिंग देना चाहिए? 3, 3.5, 2.5। कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना पहनना चाहता है कस्टमर। मीडियम जो लूज होता है वो 3 इंच का दिया जाता है। 3 इंच का ना, ठीक है। नी पे 2 इंच का लूजिंग दिया जाएगा, नी पे 2 इंच का। अब यहाँ देखिए, जैसे हमारा बॉटम ये फ्रंट का मैं 14 इंच रखता हूँ, अब उसको हम यहाँ से 2 इंच बढ़ा देंगे, ठीक। ये हमारा 16 इंच हो गया। 16 इंच होगा। अब इसको सेप दे देंगे। हाँ,
ये हमारा बार बैक का मार्किंग हो गया। अब इसको हम जितना फ्रंट का ये फॉक का निशान लगाए थे उससे आधा इंच नीचे मार्किंग करेंगे। आधा इंच नीचे मार्किंग करना है फॉक से, ठीक है। ये हमारा हिप का निशान है। उसके बाद में जब हम इसको इसका चार भाग करेंगे, चार भाग ही, ओके। ये फ्रंट हो गया 10 और फिर ये 20। अब इसके बाद में हम इसका 6 इंच का ये लूजिंग दे रहे हैं इसमें। अच्छा, तो फिर हमारा ये 20 इंच आता है बराबर। ये हिप जैसे 40 इंच है तो हम इसको ये 10 इंच रखते हैं। अब 10 इंच ये उठा के यहाँ देखिए ये 20 हो गया। हमें को लूजिंग देना है 6 इंच का, 6 इंच तो हम इसको 3 इंच लिए, 3 इंच इधर से लिए, 3 इंच हम यहाँ से लिए, तो ये यहाँ पे निशान है 3 इंच इधर से बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसको सीधा लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया पाइप। और उसके बाद में यहाँ से फ्रंट से ये बैक का है, यहाँ से हाई जाएगा। अच्छा, ये उधर से लो जाता है, इसमें हाई जाएगा। हाँ, ये फ्रंट का हमारा यहाँ से कटेगा, बैक का ही ये यहाँ से कटेगा, ठीक। ये हमारा ये बैक का मार्किंग है, ये हमारा फ्रंट का मार्किंग है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी काट के भी दिखा दिया और मार्किंग करके भी दिखा दिया। तो ये मास्टर को एफर्ट्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।